लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर वोटिंग होनी है और साथ ही प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, जिस पर प्रदेश की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। काफी अहम है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए और यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आखिरी दिनों में हिमाचल में कैंप की हुई हैं और जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार में हम धर्मशाला में। सुक्खू साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने, 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें, और असली निशाना क्या है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा के उपचुनाव? देखिए, चुनौती जितनी मर्जी बड़ी हो, ये जनता की अदालत है। लोकतंत्र की ताकत जनबल में होती है, जनता फैसला करती है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए दल का प्रयोग किया गया है, जनता उस मामले में निश्चित तौर पर 1 जून को जब वोट डालने जाएगी तो जो नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाएगी। यहाँ इस बार चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार को एक तरीके से गिरान डिसमेंटल करने की कोशिश हुई राज्यसभा चुनाव के समय में, 6 विधायक आपके दूसरी तरफ चले गए, क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो भी चुनाव है ये, इसमें हिमाचल में भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। जो 6 बिके विधायक है उन्होंने हाथ को बेचा है और कमल को खरीदा है। हम जनता के बीच में कह रहे हैं, जो हाथ के चुनाव हाथ का ना हो सका वो कमल का क्या होगा। इसलिए ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिल में भी दुख है, और ये चुनाव 3.5 साल के लिए होने वाला है विधानसभा का, तो ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं वालों के भी मन में पीड़ा होगी कि ये कैसे होता है, जिसने हाथ बेच दिया और कमल खरीद लिया। तो विधानसभा चुनावों में तो हमारा मानना है और लोकसभा चुनावों में भी हमारा मानना है, हिमाचल की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। देव संस्कृति की भूमि है, पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं कुछ कि जो आपकी पार्टी से बीजेपी में आए हैं उनको ना जिताएं? नहीं, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी नहीं है, ये तो खरीदे हुए कमल के प्रत्याशी है, तो खरीदा हुआ कमल को बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों पसंद करेंगे? आप मुद्दा बना रहे हैं जो आपके 6 विधायक चले गए बीजेपी में, एक सवाल तो ये भी है कि आखिर कांग्रेस के ही विधायक क्यों टूटते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के माहौल में ये उपचुनाव, कांग्रेस के विधायकों को तब तोड़ा जाता है, ये एक और डिपार्टमेंट बन गया। महाराष्ट्र में क्यों टूटे, मध्य प्रदेश में क्यों टूटे, तो ये तो आप खोज करिए कि क्यों टूटते हैं। हर जगह विपक्ष के ही क्यों टूटते हैं? नहीं, सत्ता जिनकी सत्ता होती उनके टूटते हैं। सर ये बताइए कि चूंकि लोकसभा चुनाव के साथ में ये चुनाव, यहाँ पर उपचुनाव भी हो रहा है और आपकी सरकार का भविष्य टिका हुआ है, ये कितने प्रेशर, क्या प्रेशर में है कि आपको सरकार भी बचानी है और दिल्ली 4 लोगों को जिता कर भेजना भी है लोकसभा? पहले तो आंकलन ठीक नहीं है, आप गलत फहमी में है। 68 की असेंबली है हमारी, 34 अभी हमारे प्रेजेंट विधायक है, जिसमें से 2 विधायक हमारे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।